You have to be two people, the librarian and the stripper. वेलकम गाइस, टॉप 5 सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राज। तो फिर से आज हम लेके आए हैं वर्ल्ड की टॉप 5 रोमांटिक मूवी। इन सभी मूवी में आपको रोमांस के साथ साथ एक्शन और ड्रामा भी देखने को मिलेगा, और मैं चाहता हूं कि आप लाइफ में ये 5 मूवी एक बार जरूर देखिए। अगर लाइफ में आप किसी को प्यार करते हो या फिर किसी ने आपको छोड़ दिया है, तो ये सभी मूवी आपको कैसे इसमें से बाहर निकलना है वो सब ये मूवी आपको सिखाएगी। इन सभी मूवी को हमने IMDb रेटिंग, गूगल लाइक्स और इसकी अर्निंग के हिसाब से इसको टॉप 5 में एंट्री दी है। ये 5 मूवी तो मैंने देखी है और मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ये 5 मूवी जरूर देखें। मूवी की सीरीज स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और आप भी इन सभी टॉप 5 को देख सको। तो चलिए, टॉप 5 की हमारी लिस्ट में नंबर 5 पे है फ्रेंड विथ बेनिफिट। ये मूवी 2011 में रिलीज हुई थी और ये मूवी कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा से भरपूर है। तो चलिए इस मूवी की थोड़ी स्टोरी जान लेते हैं। मूवी की शुरुआत में एक लड़का लड़की को दिखाया जाता है। ये दोनों ही अपने अपने पार्टनर से ब्रेकअप कर लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये दोनों सिर्फ फ्रेंड ही रहेंगे और प्यार कभी नहीं करेंगे। बस जब एक दूसरे की जरूरत हो तो एक दूसरे को सेक्स के लिए ही एक दूसरे को बुलाएंगे। ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे के सेक्स पार्टनर बन गए। अब दोनों सेक्स के टाइम ही एक दूसरे को मिलते थे। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है और आगे आपको मूवी देख के पता चलेगा आखिर इन दोनों में प्यार कैसे हो गया और क्या वजह थी। ये मूवी 2011 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में आपको रोमांस के साथ साथ ड्रामा और कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। IMDb रेटिंग पर इस मूवी को 10 में से 6.5 की रेटिंग मिली है और इस मूवी का टोटल बजट था $35 मिलियन और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में $149.5 मिलियन की कमाई करके हमारी टॉप 5 में एंट्री ले ली है। इसके बाद नंबर 4 पे है द उगली ट्रूथ। यह मूवी 2009 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा और एक्शन भी आपको देखने को मिलेंगी। तो चलो थोड़ी मूवी की स्टोरी भी जान लेते हैं। इस मूवी में एक लड़की को एक डॉक्टर से प्यार हो जाता है, पर उस लड़की को ये समझ नहीं आता कि वो उनसे कैसे बात करे और कैसे उसे प्रपोज करे। उसके बाद उसकी एक फ्रेंड उसे ट्रेन करती है कि उसे कैसे इम्प्रेस करना है, और बाद में धीरे धीरे इन दोनों में प्यार हो जाता है और एक अमेजिंग लव स्टोरी बन के सामने आती है। और ये लव स्टोरी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप डायरेक्ट इस लव स्टोरी को देख सकते हो, वो भी हिंदी में। ये मूवी 2009 में रिलीज हुई थी, जिसमें आपको रोमांस के साथ साथ कॉमेडी ड्रामा भी देखने को मिलेगा। IMDb रेटिंग पर इस मूवी को 10 में से 6.4 की रेटिंग मिली है। इस मूवी का टोटल बजट $38 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने $205 मिलियन की कमाई करके हमारी टॉप 5 में एंट्री ले ली है। इसके बाद नंबर 3 पे है एलिजाबेथ टाउन। ये मूवी रोमांस और ड्रामा से भरपूर है। ये मूवी आपको लाइफ में कैसा भी बुरा वक्त क्यों ना हो, ये आपको जीना सिखाएगी। तो चलो मूवी की थोड़ी कहानी जान लेते हैं। मूवी में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, जिसमें वो फेल हो जाता है, जिसके कारण वो पूरा टूट जाता है और इस प्रोजेक्ट में नाकाम होने के कारण उसकी गर्लफ्रेंड भी उसको छोड़ के चली जाती है। फिर वो लड़का सुसाइड करने की ठान लेता है, क्योंकि अब उसके पास कुछ नहीं रहा था। तभी उसको पता चलता है कि उसके डैड की मौत हो गई है। फिर वो अपने घर जाने के लिए फ्लाइट से निकल रहा था, तभी रास्ते में उसे एक ब्यूटीफुल लड़की मिलती है, जिससे वो सभी बातें शेयर करती है। फिर वो लड़की उस लड़के की लाइफ चेंज करने का डिसाइड करती है। बाकी की कहानी आपको मूवी देख के पता चलेगी। ये मूवी 2005 में रिलीज हुई थी, जिसमें आपको रोमांस के साथ कॉमेडी ड्रामा भी देखने को मिलेगा। IMDb रेटिंग पर इस मूवी को 10 में से 6.4 की रेटिंग मिली है। इस मूवी का टोटल बजट $45 मिलियन था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में $52 मिलियन की कमाई करके हमारी टॉप 5 मूवी में एंट्री ले ली है। इसके बाद नंबर 2 पे है रिमेम्बर मी। ये मूवी 2010 में रिलीज हुई थी। ये मूवी तो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में आपको रोमांस के साथ कॉमेडी, ड्रामा और एक्शन भी देखने को मिलेगा। तो चलो मूवी की थोड़ी कहानी जान लेते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो किसी से झगड़ा कर रहा था। तभी एक पुलिस वाला वहां पे आता है और वो लड़के को वो बुरी तरह से मारता है और उसे जेल में बंद कर देता है। अब वो लड़का उस पुलिस वाले से बदला लेने की ठान लेता है। फिर वो तय करता है कि वो उस पुलिस वाले की लड़की को पटाएगा।
पर उसे इम्प्रेस करने में वो सही में उससे लव कर बैठता है। और फिर आगे क्या होता है वो आपको मूवी देख के पता चलेगा। ये मूवी 2010 में रिलीज हुई थी। IMDb रेटिंग पर इस मूवी को 10 में से 7.1 की रेटिंग मिलती है और इस मूवी का टोटल बजट था $16 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने $56 मिलियन की कमाई करके हमारी टॉप 5 मूवी में एंट्री ले ली है। इसके बाद हमारे नंबर 1 पे है द शेप ऑफ वाटर। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। ये मूवी ड्रामा फैंटासी से भरी हुई है और इसमें आपको रोमांस भी देखने को मिलेगा। ये मूवी ऑस्कर अवार्ड भी ले चुकी है। ये मूवी इतनी रोमांटिक तो नहीं है पर ये मूवी आपको देखनी तो जरूर चाहिए क्योंकि हमारी टॉप 5 में नंबर 1 पे क्यों है वो आपको पता चले। तो चलो मूवी की थोड़ी स्टोरी जान लेते हैं। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि एक इंसान की तरह दिखने वाला जीव और एक लड़की की ये लव स्टोरी है। और ऐसा क्या है इस मूवी में जो वर्ल्ड की टॉप 5 मूवी में ये नंबर 1 पे है, ये तो आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। IMDb रेटिंग पर इस मूवी को 10 में से 7.3 की रेटिंग मिली है। इस मूवी का टोटल बजट $20 मिलियन था। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने $200 मिलियन की कमाई की है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये लाइफ चेंजिंग मूवी है, आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। और इन सभी मूवी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से आराम से देख सकते हैं वो भी हिंदी में। तो चाहिए और ये मूवी जरूर देखिए। तो दोस्तों हमें बताइए कि आपने इनमें से कौन सी मूवी देखी है और आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। तो मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय। फिर मिलेंगे। थैंक यू।